बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीय भागा का अष्टमा पाठ, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुनरावृत्ति शुरू की थी और जिसका नाम है संसार सागरस्य नायिका। इस पाठ का हम लोगों ने पहला अनुच्छेद कर लिया था और इसमें जो है ये अनुपम मिश्र ने आज भी खड़े हैं तालाब के यहाँ पर कुछ अंश जो संसार सागर के नायक के नाम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और उसी अध्याय से यहाँ पे लिया गया है, और जिसमें विलुप्त होते हुए पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो इसमें हम लोगों ने पहले अनुच्छेद में ये पढ़ा था कि किस प्रकार जो है जो अज्ञात नाम वाले हैं वे कौन थे, जो कि इतने सारे तालाब जो शून्य से अचानक ही नहीं प्रकट हुए, और इसके बनवाने वाले एक और बनाने वाले 10, बनाने वाले की दहाई और बनवाने वाले की इकाई हुआ करती थी। और नए समाज ने जो पिछले 200 वर्षों में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया वह जो है उसके आधार पर जिस तकनीक को वो प्रयोग करने लगा, वो ये भी जानने की कोशिश नहीं किया कि पहले इस तरह के तालाब कैसे बनाए जाते थे, और वही लोग आज अज्ञात नाम वाले हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, ये पहला अनुच्छेद पूरा हो चुका था और पेज नंबर 51 पर हम लोग पढ़ेंगे। अद्य ये अज्ञात नामानः, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं, वर्तन्ते मतलब हैं, पुरा ते बहुप्रथिताः आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागाह निर्मियन्ते स्म, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और निर्माण करने वाले भी पूरे देश में निवसन्ति स्म मतलब रहते थे। बहुप्रथिताः यानी कि बहुत अधिक प्रसिद्ध। अब आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, गजधरः इति सुंदरः शब्दः। गजधर इति मतलब ये सुंदर शब्द, तडाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों में, सादरम स्मरणार्थम, सादरम मतलब आदर के साथ, स्मरणार्थम मतलब स्मरण किया जाता है। गजधरः इति सुंदरः शब्दः, तडाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों में, सादरम स्मरणार्थम आदर के साथ स्मरण किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित, राजस्थानस्य राजस्थान के, केषुचित मतलब कुछ भागेषु भागों में, भागेषु मतलब भागों में, शब्दो अयम यह शब्द अद्यापि प्रचलति आज भी प्रचलित है। अद्यापि मतलब आज भी। अद्यापि में दो शब्द है जिसमें कि अद्य धन अपि, ये दो शब्द मिलकर बना है अद्यापि, और इसका अर्थ है आज भी। तो अद्यापि में जो है दो शब्द। कह गजधरा, गजधर कौन है, कह मतलब कौन, यह गज परिमाणम धारयति, यह गज परिमाणम धारयति, जो गज परिमाण को, गज नाप को, धारयति मतलब धारण करता है, धारयति यहाँ पर जो गज नाप को धारयति मतलब धारण करता है वह गजधर कहलाता है।
धारयति धारण करता है वह गजधर, सह गजधर वह गजधर है। यह गज परिमाणम धारयति जो गज नाप को धारण करता है, स गजधर वह गजधर है। गज परिमाणम एव गज परिमाणम मतलब नाप को एव मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण को नापने के कार्य में उपयुज्यते मतलब उपयोग किया जाता है, मापने के काम में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से गज नाप जो है वो नापने के काम में उपयुज्यते मतलब उपयोग किया जाता है, उपयुज्यते। उपयोग किया जाता है। ऐसे गज नाप को धारण करने वाले गजधर होते हैं और गज परिमाण यानी कि गज नाप को ही मापन कार्य में उपयुज्यते मतलब उपयोग करते हैं। समाजे त्रिहस्त, समाज में तीन हाथ की परिमाणात्मकी नाप वाली लौह यस्टिम लोहे की छड़ को हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर चलंतः चलते हैं गजधराह गजधर इदानिम शिल्पी रूपेण। गजधर इस रूप में, इस कारीगर के रूप में नैव समादृताः संति, कभी भी जो है आदर को नहीं प्राप्त करते हैं। ऐसे गजधर जो है कभी आदर को नहीं प्राप्त किए जो लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलते हैं। गजधरा गजधर यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, जो समाज की गांभीर्यं गहराई को मापयेत् मापते हैं इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इस रूप में उनका परिचय होता है। तो जो समाज में गहराई को नापते हैं तो इस रूप में इनका परिचय होता है। तो यहाँ पे त्रिहस्त परिमाणात्मकीम, त्रिहस्त त्रिहस्त परिमाणात्मकीम तीन हाथ के नाप की, त्रिहस्त परिमाणात्मकी तीन हाथ के नाप की लौह यस्टिम, लौह यस्टिम लोहे की छड़, समादृता यानी आदर को प्राप्त, समादृता आदर को प्राप्त, समादृता आदर को प्राप्त। गांभीर्यम यानी कि गहराई, गांभीर्यम और वास्तुकाराह, वास्तुकाराह यहाँ पे यानी कि और शिल्पकार कहते हैं कारीगर को जिसके अंदर कला होती है। तो ऐसे गजधर जो है वो शिल्पकार के रूप में कभी आदर को प्राप्त
नहीं होते हैं। और गजधराह, वास्तुकाराह आसन, गजधर वास्तुकार थे। कामम, और उनका काम, गजधर का जो काम था, ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, चाहे गांव का समाज हो चाहे शहर का समाज हो, तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य। तस्य मतलब उसके, यानी कि नया नगर हो चाहे गांव का हो चाहे शहर का, उसके नव निर्माणस्य, नए निर्माण के सुरक्षा प्रबंधस्य, उसके सुरक्षा प्रबंध का दायित्वम, दायित्व गजधराह निभालयन्ते इसमें, गजधर निभाते थे। तो यहाँ पर वास्तुकाराह शब्द आया है, और वास्तुकाराह का अर्थ होता है भवन आदि का निर्माण करने वाले। भवन आदि का निर्माण करने वाले वास्तुकार कहे जाते हैं। और वास्तुकारा ये बहुवचन है, यहाँ पे विसर्ग रहेगा। तो वास्तुकारा ये निर्माण करने वाले जो है वो वास्तुकार कहे जाते थे। और कामम यानी कि काम, चाहे भले ही, कामम यानी कि चाहे या भले ही। तो आप चाहे शहर का निर्माण करना हो चाहे गांव का निर्माण करना हो, तस्य नव निर्माणस्य, उसके नए निर्माण का सुरक्षा प्रबंधस्य च, और सुरक्षा प्रबंध का दायित्वम, दायित्वम मतलब जिम्मेदारी, गजधराह निभालयन्ति इसमें, गजधराह निभालयन्ति इसमें मतलब गजधर उसको निभाते थे। तो निभालयन्ति इसमें निभाते थे। निभालयन्ति इसमें निभाते थे। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम लोगों ने देखा, और अभी आगे कुछ और कठिन शब्द आएंगे। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे अगला जो शेष भाग है, जिसमें कि अब नव नए निर्माण के सुरक्षा प्रबंध को और उसका दायित्व मतलब जिम्मेदारी, दायित्व दायित्व जिम्मेदारी उन गजधरों की होती थी कि उस जो निर्माण हो रहा है उसका सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर निभालयन्ति इसमें मतलब निभाते थे। नगर नियोजनात लघु निर्माण पर्यंतम, और नगर की योजना के लघु छोटे से छोटे निर्माण से लेकर सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, एतेष्वेव आदृतानि आसन, एतेष्वेव यानी कि इसी पर ही, इन्हीं पर ही, गजधरों पर ही आदृतानि आसन मतलब
आधारित होते थे। गजधरों की ही वो जिम्मेदारी होती थी, उसी के बल पे जो है वो ये कार्य होता था। और ते योजनाम प्रस्तुत बनती स्म, और वे योजना बनाकर प्रस्तुत करते थे, यानी कि जो लोग बनवाते थे उनको योजना बनाकर देते थे। भावी व्ययम आकलयंती स्म, और भावी मतलब होने वाले, व्ययम खर्च को आकलयंती स्म उसका आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणंती स्म, और उसमें जो साधन थे, जो वस्तुएं प्रयोग में की जानी थी उसका संग्रहणंती स्म मतलब संग्रह करते थे। उन साधनों को, वस्तुओं को जिसकी बनाने में ज़रूरत है, जिन चीज़ों की, उसको ये संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे ताकि वो काम कर सके। और प्रतिदाने, प्रतिदाने मतलब प्रतिदान में, ते न तद याचन्ते स्म, वे वह नहीं मांगते थे, यद दातुम जिसे देने के लिए, तेषाम स्वामिनः उनका स्वामी, उनका मालिक असमर्थाः भवेयुः असमर्थ हो जाए। कार्य समाप्तौ काम के समाप्त होने पर, वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः गजधरों को सम्मानम अपि प्रदीयते स्म सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, नमः यानी नमस्कार है, एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है। तो इस तरह से यहाँ पर गजधर जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते थे। यहाँ पे आधृतानि मतलब आधारित, कुछ कठिन शब्द हम लोग देखेंगे, आधृतानि और आकलयंति स्म, अनुमान करते थे, जैसे कि बजट बनाया जाता है किसी भी काम को करने से पहले, तो वैसे ही गजधर जो है वो अनुमान लगाते थे कि कितना व्यय होगा। उपकरण संभारान, उपकरण भारान साधन सामग्री को संग्रहणंति स्म संग्रह करते थे। और प्रतिदाने यानी कि बदले में, काम के बदले में, याचन्ते स्म मांगते थे, अतिरिच्य अतिरिक्त, अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उन गजधरों को वेतन के अतिरिक्त वे ऐसा कुछ भी नहीं अपने मालिक से मांगते थे जिसे देने में उनका मालिक असमर्थ हो। तो इस तरह से ये गजधर जो है आदर के योग्य होते थे, और ये बहुत बड़ा काम करते थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते थे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।